सब्सक्राइब कीजिए संसार सागर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। आज हम बात करेंगे यूपीटीईटी के सिलेबस की, पाठ्यक्रम की। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इनकी हम आज चर्चा करेंगे। ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का एड्रेस बार दिया गया है। यहाँ पर माउस पॉइंटर को लाइए और क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए यूपीटीईटी। यूपीटीईटी टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये पहला पेज आ जाता है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी बेसिक ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की साइट ओपन हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसका एड्रेस बार दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये साइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद चार नंबर पर हम यहाँ देखते हैं मार्गदर्शन सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोड हो जाती है तो इस तरीके से आपको प्राप्त होती है। इसमें 38 पेज हैं, ये 6 नंबर का पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 1 से 5 तक के लिए होता है। इसे परीक्षा की जो अवधि होती है वो 2.5 घंटे की होती है, 150 मिनट। संरचना एवं विषय सूची जो है सभी अनिवार्य है। पहला इसमें बाल विकास, यहाँ आप देख सकते हैं ये पहले नंबर पर जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, ये सब्जेक्ट इसमें आता है। ये 30 नंबर का होता है और प्रश्नों की संख्या इसमें 30 होती है। सेकंड भाषा प्रथम हिंदी, ये भी 30 नंबर का आता है और 30 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो द्वितीय भाषा होती है, इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है, चूज करना पड़ता है। आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 30 रहती है और अंक 30 रहते हैं। चौथे नंबर पर गणित होती है, यह 30 अंकों की होती है और इसमें प्रश्नों की संख्या 30 होती है। पांचवें नंबर पर पर्यावरण आता है, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 अंक के होते हैं। इस तरीके से टोटल 150 अंक के ये होते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के बारे में।